हम समाज के लिए किसी भी संगठन के साथ खड़े हुए तो अपने समाज के लिए खड़े हुए व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी हम इकट्ठे नहीं हुए हैं। और जो ये यात्रा है, यह यात्रा 17 फरवरी 2023 को धर्मशाला से निकाली गई थी और यह यात्रा निरंतर रात रात को पैदल चलते हुए हम लोग 1 तारीख को दिल्ली पहुँचे, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत यह यात्रा उसी तरह से वापस आई है। रात रात को हम लोग चले हैं, परंतु परिमाणों से ऊपर हमने दिन में यह यात्रा तय की है। आज आपके समक्ष पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि सबसे पहले तो जो स्वर्ण आयोग का मुद्दा हमारा लंबित था उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, एक्ट बना के उस आयोग को बनाया जाए। साथ में जो अभी एक सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें स्वर्ण समाज के बच्चों के शरीर से जो तन से जो कपड़ा लिया वापस लिया गया उसके लिए भी हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि बहुत जल्द उस आदेश को वापस लें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में चाहे रोड जाम करना पड़े या हमें किसी भी आंदोलन का रूप लेना पड़े, ये हमारा मुख्य मुद्दे रहेंगे। दिल्ली तक हम लोग जिस मुद्दे को लेके गए थे वो हमारे मुद्दे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरियां, समानता का अधिकार, किसान परिवार को 3000 प्रोत्साहन राशि वेतन किसान को दिया जाए। एक बड़ा सवाल, इससे पहले क्षत्रिय संगठन में भी आप पदाधिकारी रह चुके हैं, ये दूसरा संगठन बनाने की क्या नौबत आन पड़ी है और आज रूमी सिंह ठाकुर आपके साथ नजर नहीं आ रहे? क्षत्रिय संगठन शुरू में काम कर रहे थे समाज के लिए, परंतु थोड़े से लोगों के अंदर जब राजनीति की चेष्टा ज्यादा बढ़ जाती है, उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा राजनीतिक पार्टी के साथ सम्मिलित होते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम से वो आगे निकले। हम लोग राजनीति के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपने समाज की सेवा के लिए आए हैं, आज भी करते रहेंगे। देवभूमि स्वर्ण संगठन पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है, आपके सामने जब तक जिंदा है गैर राजनीतिक रूप से काम करेंगे, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई। ये बात पहले भी आई थी कि आप गैर राजनीतिक संगठन यहाँ पर सामने आएगा, काफी आंदोलन भी यहाँ पर किए गए, पत्थर तक यहाँ पर चले, तो अब क्या विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को और कितने लोग आपके साथ है, क्योंकि हमेशा देखा गया कि राजनीतिक मंशा हमेशा यहाँ पर रहती है, आप क्या विश्वास देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को? जिसकी राजनीतिक मंशा हो वो वहाँ से निकल चुके हैं। आज जितने भी लोग साथ चले हैं वो सभी अब उस गरीबी की मार झेलते हुए चले हैं, वो आरक्षण की मार झेलते हुए चले हैं। तो आज के बाद इस यात्रा का उद्देश्य ही ये था कि हम लोग पुनः, क्योंकि एक समाज में एक विश्वास टूटा था जो राजनीतिक करण की वजह से हुआ था, उसी लिए यह यात्रा दिल्ली तक निकाली गई, दिल्ली से आपके समक्ष आए हैं। जो व्यक्ति यदि राजनीति में जाना होता तो 984 किलोमीटर की पैदल यात्रा ना करते। हम लोग अपने समाज को जगाने के लिए आए हैं, अपने समाज को जगाते रहेंगे। जरूरी ये नहीं कि आज संख्या हमारी 50 हो या हमारी संख्या 200 हो, जरूरी ये है कि हम आपके माध्यम से समाज को कितने जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जब बात आर्थिक आधार पर आती है उसमें वो आज एक दिन का काम तो नहीं है, आने वाले समय में बहुत समय लगने वाला है, परंतु हमारी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग जिस आवाज को बुलंद करना चाहते हैं वो अवश्य ही बुलंद होगी। उसमें आप सभी मेरे पत्रकार बंधु हमारा जरूर सहयोग देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ना किसी जाति के बारे में है, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में है, ये तमाम गरीब लोगों के लिए है, तमाम उन लोगों किसानों के लिए है जिनकी फसल में पूरा नुकसान होता है और वो अपने परिवार का पालन पोषण की जगह उन्हें सुसाइड करना पड़ता है।